अरे वाह, कितना ताजा और स्वादिष्ट अंडा है। कहते हुए उसने अपना मुंह खोला और एक अंडा निकल गया। आज तो लॉटरी लग गई यार। कहकर उसने दूसरे अंडे पर भी हमला किया और उसको भी निकल गया। आज तो वाकई में मजा आ गया। अब मैं आराम से अपनी बिल में जाकर सो जाता हूँ, वरना किसी ने देख लिया तो कल का इंतजाम नहीं हो पाएगा। संजय वन एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। यहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे, पहाड़ और एक बड़ा सा तालाब भी था। तालाब में कुछ बतकों का झुंड रहा करता था और सभी जानवर वहाँ पानी पीने भी आया करते थे। उस झुंड में डक और ड्रेक नाम का एक जोड़ा था। एक दिन ड्रेक ने तालाब के किनारे बने अपने घोंसले में दो अंडे दिए। डक और ड्रेक अपने दोनों अंडों को देखकर बहुत खुश थे। वो उनका खास ध्यान रखने लगे। तालाब से थोड़ी दूरी पर एक सांप भी अपने बिल में रहा करता था और वहीं से जानवरों पर नजर भी रखता था। जब सांप की नजर घोंसले में रखे उनके अंडों पर पड़ी तो वो खुश हो गया। अरे वाह, कितने बड़े बड़े और ताजे अंडे हैं। अगर इनको खाने का मौका मिल जाए तो मजा ही आ जाए। बस ये दोनों किसी तरह से यहाँ से चले जाए। जब शाम हुई तो तालाब किनारे एक चील आकर पानी पीने लगी और फिर बतकों का झुंड आया। अरे डक और ड्रेक, क्या ये तुम्हारे अंडे हैं? हाँ, ये अंडे मैंने आज सुबह ही दिए हैं। ओह, इसलिए आज सुबह से तुम लोग पूरे तालाब में कहीं नजर नहीं आए। हाँ, आज पूरा दिन हम इनकी देखभाल कर रहे थे। मतलब दोपहर में भी कुछ नहीं खाया? क्या अब भी खाने का मन नहीं है? नहीं, अब तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन इन अंडों को छोड़कर कैसे जाएं? अरे फिक्र मत करो, यहाँ इनको कुछ नहीं होगा। हम खाना मिलते ही उसे खाकर अंधेरा होने से पहले यहाँ लौट आएंगे। ये कहकर वो दोनों अंडों को ऐसे ही छोड़कर झुंड के साथ चले गए। सांप अपनी जगह पर छिपा हुआ उनकी ये बातें सुन रहा था और इसी मौके की तलाश में था कि कब वो अंडों को छोड़कर जाते हैं। उनके दूर होते ही सांप खुश हो गया और चेहरे पर मुस्कान और आंखों में लालच लिए उन अंडों के पास पहुंचा। अरे वाह, कितना ताजा और स्वादिष्ट अंडा है। कहते हुए उसने अपना मुंह खोला और एक अंडा निकल गया। आज तो लॉटरी लग गई यार। कहकर उसने दूसरे अंडे पर भी हमला किया और उसको भी निकल गया। आज तो वाकई में मजा आ गया। अब मैं आराम से अपनी बिल में जाकर सो जाता हूँ, वरना किसी ने देख लिया तो कल का इंतजाम नहीं हो पाएगा। कहकर वो अपने बिल की तरफ रवाना हुआ और फिर जाकर सो गया। जब डक और ड्रैक अपने झुंड से विदा लेकर उस जगह वापस पहुंचे तो अपने घोंसले को खाली देखकर चौंक पड़े। अरे हमारे अंडे कहाँ गए? उन्हें तो हमारे झुंड के अलावा किसी ने देखा भी नहीं था, फिर उन्हें यहाँ से कौन ले गया? सुनकर डक ने कुछ सोचा और बोला, हमें इस बात का पता लगाने के लिए एक तरकीब लगानी पड़ेगी। सुनो।
कहकर डक ने ड्रेक को एक तरकीब बताई। अगली सुबह फिर से ड्रेक ने दो अंडों को जन्म दिया और दोनों उनके पास पूरे दिन बैठे रहे। फिर शाम होने से पहले ही डक बोला, ड्रेक मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो खाने की तलाश में चलते हैं। लेकिन इन अंडों को हम अकेले कैसे छोड़कर जाएं? कहीं कल की तरह इनको कोई ले ना जाए। मेरे पास एक तरकीब है, कहकर डक अपने मुंह में थोड़ी सी घास दबाकर लाया और उस घास से अपने अंडों को पूरी तरह से ढक दिया। अब इन अंडों को कोई नहीं देख सकता, अब हम इनको छोड़कर बेझिझक जा सकते हैं। यह देख ड्रेक भी खुश हुई और फिर दोनों बेफिक्र होकर वहां से चल दिए। इन पागलों को लगता है कि ये तरकीब से मुझसे अपने अंडों को बचा सकते हैं। आज तो शाम होने का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कहते हुए वो जल्दी से अपने बिल से बाहर आया और घोंसले की तरफ बढ़ गया। डक और ड्रेक तालाब के किनारे ही पेड़ के पास छिप कर घोंसले पर नजर रख रहे थे, लेकिन जब उन्होंने सांप को देखा तो दोनों डर गए। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, सांप ने उनके दोनों अंडों को निगल लिया और फिर खुश होता हुआ अपने बिल में वापस जाकर आराम से सो गया। डक और ड्रेक जब तक घोंसले के पास पहुंचे तो सांप उनके अंडे खाकर जा चुका था। ये सांप हमारे अंडों को ऐसे ही रोजाना खाता रहेगा, इसका मतलब हम कभी अपने बच्चों का मुंह नहीं देख पाएंगे। सुनकर डक भी सोच में पड़ गया। फिर उसकी नजर उस चील पर पड़ी जो कि किनारे पर तालाब से पानी पी रही थी। घबराओ नहीं ड्रेक, इससे छुटकारा पाने में कोई है जो हमारी मदद कर सकता है, कहकर डक चील से बोला। प्यारी चील, क्या तुम हमारी आवाज सुन सकती हो? हाँ क्यों नहीं, बोलो डक। डक ने उसको अपने अंडे और सांप के बारे में सब कुछ बता दिया और उसकी करतूत सुनकर वो गुस्से में बोली, सांप तो वैसे भी मेरा मनपसंद खाना है, मैं उसको उसकी सही जगह पर पहुंचा दूंगी। कहकर उन दोनों ने चील के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। अगले दिन फिर से ड्रेक ने दो अंडे दिए और इस टाइम भी सांप उन पर नजर रखे हुए था। मुझे लगता है कोई जानवर हमारे घोंसले पर रखी घास को देखकर उसे खाता है और गलती से अंडे भी खा जाता है, तो आज इनको ऐसे ही छोड़कर चलते हैं। सुनकर सांप हंसने लगा और बोला, चाहे ढक कर जाओ या फिर खुले करके जाओ, जाएंगे तो ये मेरे पेट में ही। डक और ड्रेक उन अंडों को ऐसे ही छोड़कर चले और उसी जगह पर जाकर छिप गए जहां पिछले दिन छिपे थे। उनके प्लान के हिसाब से चील पास के ही एक पेड़ पर छिपी बैठी थी। आ रहा हूँ मेरे स्वादिष्ट अंडों, कहते हुए सांप अपने बिल से निकलकर अंडों की तरफ बढ़ने लगा। जब वो बिल्कुल करीब पहुंचा तो चील तेजी से पेड़ से सीधे उसकी तरफ लपकी। उसने अंडों को खाने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, चील ने उसको झपट लिया। चील ने उसकी गर्दन अपनी चोंच में दबा ली और उसको आसमान में लेकर उड़ चली। अरे छोड़ो मुझे, अरे ये चील कहां से आ गई? बचाओ, बचाओ। सुनकर चील खुश हुई और बिना चोंच खोले उड़ती रही।
काफी देर तक उड़ने के बाद वो एक पहाड़ पर जाकर रुकी। वहां दो चीलें और उसका इंतजार कर रही थी। चील ने जैसे ही सांप को अपने मुंह से आजाद किया, बाकी चीलों ने उस पर अपनी चोंच मार मार कर हमला किया, जिससे कि वो अधमरा हो गया। अब उन तीनों चीलों ने मिलकर उसको अपना शिकार बनाया और उसे खत्म कर दिया। दूसरी तरफ डक और ड्रेक अपने अंडों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश थे और मन ही मन चील को धन्यवाद दे रहे थे। कुछ ही दिनों बाद उन अंडों से बच्चे निकले और फिर डक और ड्रेक अपने बच्चों के साथ खुशी से रहने लगे।